रुक जाओ, तुम दोनों साथ में पूजा नहीं करोगे। करण, सिर्फ तुम पूजा करोगे, प्रीता आखिर में करेगी। क्यों क्यों नहीं कर सकते? और तू होता कौन है मुझे कुछ कहने वाला? हाँ पंडित, पंडित मेरा मतलब ऐसा, मेरा नहीं पंडित जी का कहना है कि पूजा की शुरुआत और संपन्न घर के बड़े करते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है, यानी घर के बड़े दादी जी, बुआ, राखी आंटी, ये सब पूजा कर चुके हैं और प्रीता घर की मालकिन है, यानी कि बड़ी है, तो पूजा संपन्न प्रीता ही करेगी। तो फिलहाल सिर्फ तुम पूजा करोगे। अगर प्रीता इस घर की मालकिन है ना, तो मैं इस घर का मालिक और इसका हस्बैंड भी। और दादी कहती हैं कि पूजा तो जोड़ियों में होती है, क्यों दादी? हाँ, जो करना है कर, मुझे क्या लेना देना। अरे बेवकूफो, मैंने तो एक तीर से दो निशाने मार दिए, घर वालों के सामने ये दिखा दिया कि मैं सबकी भलाई चाहता हूं, सिर्फ वजह से मैं तुझे रोक रहा था, पर तू तो मेरी बात सुनने से रहा, तो अब भुगत। जब ये नारियल बम फटेगा, इसके साथ तू भी फट जाएगा। सुपो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ खड़ा हूं और रहूंगा, क्योंकि पता नहीं एक डाउट सा है मुझे कि तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, शायद इस नारियल में भी, पर कुछ तो है। पंडित जी ने कहा ना प्रीता तो प्रीता। मैंने कह दिया ना, पूजा तो दोनों एक साथ करेंगे, क्यों पंडित जी? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप पूजा कीजिए, आप दोनों मिलकर लोहरी के चारों ओर परिक्रमा कीजिए, माता रानी आपके समस्त जीवन में आए हुए दुखड़ों को इस अग्नि में जलाकर स्वाहा कर देंगी, और अपना शुभ आशीर्वाद आप की जोड़ी को देंगी। पूजा कीजिए। थैंक यू पंडित जी, पूरे साथ फिर लेना।
क्योंकि नारियल मैं फोड़ूंगा। तो तुम्हारे पास तुम्हारा नारियल है ना फोड़ने के लिए? तो दोनों मैं फोड़ूंगा। ये क्या मतलब है? अरे पूजा मैं कर रही हूँ, हम दोनों के पास अपनी अपनी पूजा की थाल है, दोनों के पास अपना अपना नारियल है, तुम अपना नारियल फोड़ो ना। अब मेरा और तुम्हारा क्या, जोड़ी है, जो मेरा वो तुम्हारा, जो तुम्हारा वो मेरा, नारियल मैं फोड़ूंगा दोनों। दोनों नारियल फोड़ोगे? हाँ। मतलब मैं पूजा ना करूँ? नहीं करो ना, पूजा हो गई, नारियल मैं फोड़ूंगा, ये मेरा काम है। ये क्या मतलब है? लाओ लाओ एक नारियल मुझे दो। नारियल मैं फोड़ूंगा। देखो तुमने पहले ही अपशगुन कर दिया। लाओ। क्या हो रहा है, लोहड़ी की पूजा हो रही है या लड़ाई? नारियल मैं फोड़ूंगा। मेरा नारियल तो मैं ही फोड़ूंगी, लाओ। ऐसी बात है? ठीक है। ठीक है मतलब? अरे नारियल लेके कहाँ जा रहे हो? ओ गॉड, ये हो क्या रहा है? पूजा ऐसे होती है क्या? ये दोनों भी ना। मामी जी देखिए ना, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं बदते, आज भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। हे भगवान, कहाँ ये पूजा हो रही थी और कहाँ नारियल लेके भाग गए? आजकल के बच्चों को पूजा का मतलब आता ही नहीं, समझते ही नहीं। हमारे जमाने में तो पूजा के बीच से कोई उठता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल भी नहीं। सही कहा आपने। और इन दोनों को देखो, पूरी पूजा सर पे उठा ली, पर अच्छा लगा इन दोनों को फिर ऐसे देख के। अरे क्या अच्छा लगा जान के आंटी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। करण जीजू ने नारियल उठाया और यूं भाग गए, और उनके पीछे प्रीता दी भी भाग गई। Well, मेरी पूजा हो गई है, पर निकलने से पहले मैं एक बार महेश लूथरा से मिलना चाहता हूँ। जी जरूर, चलिए ना। नागरे जी आप भी चलिए, घर जाने के लिए हम साथ में चलेंगे, ठीक है? आइए। कहाँ जा रहे हो? करण और प्रीता के पीछे भागकर कोई भी फायदा नहीं, ना तो तुम्हें रोक सकते हो ना ही वो नारियल उनके सिर पर फोड़ सकते हो। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए न्यूज है। ये जो प्रीता ने इतनी मेहनत की थी ना महेश लूथरा को बेसमेंट से बाहर निकालने की, अब वक्त आ गया है कि हम महेश लूथरा को फिर से बेसमेंट में भेजें। मेरे साथ घर के अंदर चलो, देखो महेश लूथरा की हालत क्या हो गई, तुम्हारे और मेरे लिए कितना बड़ा एंटरटेनर बन गया वो। चलो नजर मेरे पूजा के नारियल पे क्यों है? तुम्हारा और इस नारियल का कनेक्शन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिसन, अगर ये तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तो ये मजाक बहुत बुरा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओहो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता ना, इस मुझे एक लिस्ट दे दो, उसे पढ़ के मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है और आगे से मैं वही करूंगा। ए, करण, चलो रुको, चलो। ओए पागल, तू मुझ पर अटैक करेगा? शर्लिन, मैं महेश लूथरा के नए ड्रामे और नौटंकी का सर्कस देखने के लिए तैयार हो जाइए, मैं उसे बाहर लेकर आ रही हूँ और मेरा ड्रामा ऑन है। अरे मैम, अगर आप अंदर आ रही हो तो जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये आदमी मुझे मार डालेगा, लगता है मैंने केमिकल कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है। आपने महेश लूथरा को इस तरह घर में क्यों रखा है? जब मैंने उन्हें मेंटल असाइलम से निकाला था तो मैंने कहा था कि इन्हें फैमिली से दूर रखिए,
महेश जी आप होश में आइए, आप क्या कर रहे हो, होश में आइए। भाई क्या हो गया अचानक से आपको, कंट्रोल कीजिए ना अपने आप को प्लीज। क्या हो गया आपको भाई? पिस्ता मत, क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा था आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आप लोगों से कहा था कि इनको बेसमेंट नहीं रहने दो, लेकिन नहीं, आप देख रहे हो ना, इनकी वजह से उसकी जान को खतरा था। प्लीज इन्हें ऐसी जगह ले जाइए जिससे किसी को खतरा ना हो। डॉक्टर साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको उस जगह पे ले जाऊंगा जहां पे इनकी वजह से किसी को जान से खतरा नहीं होगा। भाई साहब स्टॉप इट, ऐसे जस्ट स्टॉप इट। डॉक्टर दीजिए और शॉक ट्रीटमेंट दीजिए,
जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। सुना नहीं आपने? दीजिए। डॉक्टर सुनाई देता है ना? सुनानी नागरे ने क्या कहा? इसे ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स तो दो। मोना सडेटिव इंजेक्शन, हरी अप, सडेटिव इंजेक्शन जल्दी, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कहीं अटैक ना कर दे, हरी अप मोना, जल्दी लाना। चाचू इट्स ओके, प्लीज प्लीज रिलैक्स। टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। मोना इन्हें बेड़िया पहना दो। हाँ डॉक्टर। अब ये बहुत डेंजरस हो चुके हैं, होश में आने के बाद पता नहीं ये क्या कर बैठा है। डॉक्टर साहब ने बेड़िया पहनाना जरूरी है क्या? मत कीजिए, मत कीजिए। राखी जी कुछ दिनों के लिए जरूरी है, इसके बाद इनकी कंडीशन कैसी है वो देख के डिसाइड करते हैं क्या करना है। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? ये तो कुछ ऐसा हो गया कि करण को अच्छे से पता चल गया कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। प्रीता क्या था ये सब? क्या क्या था? देखो करण, हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जो बहुत ही सिचुएशनल थी। अच्छा। अब उनको तुम रियल मत मान लेना और मुझे ग्रांटेड लेने मत लग जाना। अच्छा, और तुमने मुझे जो हक किया वो? वो हक भी रियल नहीं था। तुम गिरने लगे थे तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी तरफ खींच लिया और तुम्हें लगा कि हग है, लेकिन उस हग में कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं थी, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं थी। आई एम जस्ट मेकिंग दैट क्लियर। ठीक है, ये बात मेरी नजरों में नजर डाल के बोलो। सेट। ये सब क्या है? इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। एक तो पहले ही आज इतना ड्रामा हो गया, मैं जा रही हूं। की दूरी बनाकर रखा करूं मुझे, फिर बात किया करूं। इतना नजदीक आने की जरूरत नहीं है, बॉस हूं मैं। क्या हो गया? क्या हुआ दादी? करण पुत्र, तेरे पापा को फिर से मेंटल अटैक हो गया। कुछ हुआ क्या? हुआ क्या? व्हाट? ये फिर बच गई? कभी इसे भगवान बचा लेते हैं, कभी इसे करण बचा लेता है, कभी ये खुद को बचा लेती है, कभी किस्मत इसे बचा लेती है, किसी तरह ये मौत के मुंह से बाहर निकल के बाहर आ ही जाती है, क्योंकि मेरी कुंडली में शायद ये जिंदा ही लिखी है, और जब तक ये मेरी कुंडली में जिंदा लिखी है मैं मरे बराबर, मुझे किसी भी तरह इस प्रीता को अपनी कुंडली भाग्य से निकालना ही पड़ेगा,
ताकि मैं एक आजाद पंछी की तरह जिंदगी के आसमान में उड़ सकूं। एनीवेज, अभी के लिए मुझे बेस्ट बिहेव करना है। इस प्रीता से तो मैं बाद में निपट लूंगा।